जाने बल्कि इसे जान से मार दे आप। वो पागल अस्पताल से भाग गई, फिर घर आ रही है। और आज भी मुझे इसी ने बुलाया था, अपने ससुराल वालों को बीमार करकर घर से निकलवाने के लिए। आप गंदी हो, आप मेरी मामा नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। मुझे अपनी बच्ची को बचाना है, मेरी बेटी, मुझे मुझे जागना है, मुझे 24 घंटे जागना है। देखें मेला, जिसका दिमाग अपने काले करतूतों की वजह से उलट गया हो, उसे डॉक्टर क्या सीधा करेंगे? बानो, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है और अक्लमंद है। तुम्हारी जाहिलाना बातें एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल दिया करता है। तो मैं जाहिल? अरे ये कौन से इल्म और फजल की बात है कि अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी एक पागल औरत के पीछे बर्बाद कर दी जाए। एक बार जुम्बुल पागल नहीं है, तुम्हारे बेटे की बीवी है, तुम्हारी बहू है, तुम्हारे बेटे की बच्ची की माँ भी है वो। अब अगर वो आदमी अपनी बीवी पे पैसा खर्च करता है तो ये उसकी जिम्मेदारी भी और उसका फर्ज भी है। हटाएं आप, हटाएं ये अपनी किताबी बातें। तो सोच कर बैठी हूँ, ये सुमल का दर्द सर खत्म हो जाए ना, मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। लाहौल भला हो। क्यों जी, इसमें लाहौल पड़ने की क्या बात है? अरे सुम्बुल ने दिया क्या है मेरे बच्चे को? एक लड़की, वो भी गूंगी। फिर अल्लाह अल्लाह करके एक बेटा पैदा किया, वो भी खैर से मरा हुआ। कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। अरे तुमसे कोई बहस कर नहीं सकता और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मगर कुछ सोच समझ के बोला करो। औलाद देना ना देना या नुक्स वाली औलाद देकर वापस ले लेना, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में। बेशक सब अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला भी अपना रहमत वाला हाथ उस पर रखते हैं जिसके अमाल अच्छे हों, जिसकी नीयत अच्छी हो। जिसकी नीयत अमाल दोनों खराब हो ना, उनका यही हाल होता है जो आपकी बहू रानी का हो रहा है। मन्नू, मन्नू मेरी बात सुनो, रुक जाओ मन्नू। और सुने, जाते जाते अपनी पोती की खबर ले लीजिएगा। अमान मेरे पास छोड़ गया था, अब छोटे बच्चे मुझसे तो नहीं संभलते। तो कहाँ है मिना? अरे मैं तो समझ रहा था कि आलिया के साथ है। नगीना के पास है, और सुने कि उससे भी काबू नहीं होगी। दिगनी का नाच नचा रही है उससे। अच्छा है, उसी का दिमाग खराब करें। कहा है ना, आप मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकती। मुझे आपके साथ नहीं खेलना, मुझे अपनी मामा के पास जाना है। आप कहीं नहीं जाओगी। मुझे जाना है। आप ऐसा कुछ नहीं करोगी और कहीं नहीं जाओगी। मैं अपने बाबा को आपकी शिकायत लगाऊंगी और उनसे कहूंगी कि वो मेरी मामा को वापस लाए। मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जा सकती और आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं करूंगी, ऐसा ही करूंगी। आप गंदी हो, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अमोनिया को सुला रहा था। अरे इतनी देर से दरवाजा पीट रहा हूं मैं, इतने शोर में कैसे सो सकती है बच्ची?
सो सकती है क्योंकि उसे अम सुला रहा था। हटो सांस। पसीने क्यों आ रहे आपको बड़े साहब? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। अभी अभी सुलाया साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। आप इसे वापस तो ले आएगा ना? जाहिर है, पानी लाओ मेरे। अभी लाता है। मिनाल बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो शाबाश। मिनाल, शी इज नॉट वेल मिस्टर अमान। मुझे लगता है कि आपने अपनी वाइफ को यहाँ लाने में थोड़ी सी देर कर दी। पिछले दो दिनों से हम उन्हें रिलैक्सेशन की मेडिसिन दे रहे हैं, उनकी साइकोथेरेपी भी कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक सेकेंड के लिए भी वो जो इमेजिनरी कैरेक्टर उनके दिमाग में है वो उसको भूल नहीं पा रही। मुझे ऐसा लगता है जैसे उस कैरेक्टर का खौफ और दहशत आपकी वाइफ के सब कॉन्शियस का हिस्सा बन चुका है। न जाने बार बार क्यों वो किसी नीली का जिक्र करती रहती है। आप सब, मैं प्लीज मिल सकता हूँ उससे? जी जी, आप उनसे मिल सकते हैं। आंखें खोल के रखो बेटी, शब्द नींद तो नहीं आ रही। चलो चलो। आराम से बेटे, आराम से। This. Shabash. Thank you.
अमान, हिनाल कहाँ है? हिनाल कहाँ है? अमान प्लीज उसे बचा ले, हमारी बेटी को बचा ले, वो वरना उससे हमसे बहुत दूर ले जाएगी। अमान अमान प्लीज मेरी बात का यकीन करें, अमान प्लीज, अमान प्लीज मुझे भी यहाँ से लेके जाए ना, आपने मुझे यहाँ पे क्यों रखा है? अमान अमान मेरी बात तो सुने, अमान अमान हिनाल को बचा ले। हेलो अमान, कहाँ बेटा? अब्बा मैं सुमुल के साथ हूँ हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा तुम्हारी बेटी की जान बहुत खतरे में है। क्या क्या कह रहा? अमान छोड़ो, अमान छोड़ो, छोड़े छोड़े छोड़ो, नहीं। चाहो तो सुंगुल की तरह मुझे भी पागल कह दो, मगर बेटा उसकी बातों में कहीं ना कहीं कुछ सदाकत मौजूद है। उस घर में हमारे अलावा कोई और भी रहता है। अच्छा, आपने देखा किसी को? अरे किसी को देखा नहीं है, महसूस तो किया है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ, मगर उस वक्त ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी। आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ना कि मैं सुंबुल को सही समझना शुरू कर दूं और बगैर इलाज कराए उसे घर वापस ले आऊं? हद करो, हद से ज्यादा इगोइस्टिक हो गए हो तुम, हर वक्त अपनी बात को सच्चा साबित करने पे तुले रहते हो। अरे कभी कभार सामने वाले की बात पे गौर करना चाहिए और उसके जावी को भी समझना चाहिए। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि तुम्हारी मुलाजिमा मशकूक है, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो मुलाजिमा ही नहीं है जिसे तुमने हायर किया था। अब्बा मैं पहले ही सुंबुल की वजह से बहुत परेशान हूँ। हाँ बेटा मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, मगर मुस्तकिल परेशान रहने से परेशानी हल नहीं होती, उस पर गौर करना पड़ता है, उसे खत्म करना पड़ता है। कहाँ जा रही हो तुम? और ये शोर कैसा था? तुमने आवाज सुनी अभी जो आई है? क्या हुआ है? ये कौन रहा था? मिनाल कहाँ है? वो ले गया, हमारी मुनिया को ले गया। कौन ले गया? किसकी बात कर रही हो तुम? मेरा शौहर, ससा। वो कहाँ ले गए? हमसे दूर, हमसे बहुत दूर ले गया वो। ये तुम मिर्जा साहब के बारे में किस तरह से बात कर रही हो? ले गए तो वापस भी ले आएंगे, इतना फुनकारने की क्या बात है? अपने शौहर को बोल कि वो हमारी मुनिया को वापस लेके आए, अभी और इसी वक्त। तमीज से बात करो, तुम पागल हो गई हो? किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? चलो जाओ स्टोर में, झाड़ू पोछा उठाओ और सारे घर की सफाई करो, दो तीन दिन से तुमने कोई काम नहीं किया। तेरे बाप का नौकर नहीं है मैं, नहीं करते, क्या करेंगे? करा सकता हूं तो करा के देख ले। Thank you.
लो। ये क्या कर रही है आप? क्या खिला रही है बच्ची को? क्या बदतमीजी है ये? मैं तो बच्ची को बिस्किट दे रही थी। कोई जरूरत नहीं है बच्ची को चीज खिलाने की। इतना ख्याल है तो बच्ची को अकेला क्यों छोड़ते हैं? फिर कुछ खाया था ना तुझे? आओ बेटा। ये क्या था अब्बा? चले हम घर पे अम्मी और आलिया के लिए चले। चलते हैं। अगर घर जाकर तुम नगीना पे गौर करोगे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि कुछ दिनों के लिए उसे फारिग कर दो, या कम से कम मीनाल को उसके हवाले हरगिज नहीं करना। ठीक है चलो। उसे क्या हो गया? आप जब मीनाल को लेकर बाहर गए तो उसे से पागल हो गई, पूरे घर में कोहराम मचा दिया कि आपको फोन करके वापस बुलाऊं। ये सब नगीना ने कहा तुमसे? अरे उसी ने कहा है, उसी की बात कर रही हूं मैं। उसे कह दिया कि झाड़ू पोछा कर दो, उसमें तो वो मरने मराने पर तुल गई। कह रही वो नगीना नहीं थी, वो कोई और थी मिर्जा साहब। मैं कह रही हूँ कोई और थी। फिर उसके बाद अचानक से वो गायब हो गई। अल्लाह जाने उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गई। अव्वल तो मुझे वो वापस आती हुई नहीं दिख रही। अगर वो वापस आ गई तो मैं अभी कह देती मैं उसे काम पर नहीं रखूंगी। अरे कौन सी मखलूक है? अब वो नहीं आएगी, अब वो मेरे किसी काम की नहीं थी ना। मैं उसे बहुत दूर छोड़ आई, अब मैं यही रहूंगी तुम सबके सामने, लेकिन नजर नहीं। कौन है? कौन है? तुमने अपनी माँ की बातें तवज्जो से सुनी थी क्या? किस्सा अलग था, अंदाज भी अलग था, मगर बातें तकरीबन वही थीं जो सुबुल करती। अब्बा मैं नहीं बेटा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि तुमने जब नगीना को मुलाजिम रखा था उससे कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह लिया था? हाँ ली होगी, कहीं रखी होगी मेरे पास। हाँ तो बेटा ऐसा करो कि सुबह पुलिस स्टेशन चले जाओ और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दो। और उससे क्या होगा? होगा तो कुछ नहीं बेटा, मगर ये कि उसके साथ अगर कोई हादसा वगैरह हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा तुम रहने दो, ये काम मैं खुद कर लूंगा। भाई कैसे हो आलिया? आज मैं मीनाल को अपने साथ सुला लूं? वो तो सो चुकी है ऑलरेडी। कोई बात नहीं, आज मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ। आलिया
सो चुकी है, उसकी आंख खुल जाएगी। कोई बात नहीं, अगर आंख खुल भी गई तो मैं इसे दोबारा सुला दूंगी। अलिया, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूं। आप मुझे मिनाल को अपने कमरे में क्यों नहीं ले जाने दे रहे? अरे रहने दो, जब भाई कह रहा है कि वो सो चुकी है तो जिद क्यों कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। बाद अपने कमरे से निकली हूँ मां सुदके, मैं कितनी खुश हो रही हूँ तुम्हें देख के। जितरो में बता रही हूँ, चांद से मार दूंगी मैं उन दोनों को। जहर लगते हैं मुझे वो दोनों। मेरा बस चले ना तो काट कर फेंक दो। किसके बारे में बकवास कर रही हो तुम? वही एक तुम्हारा शौहर, दूसरा तुम्हारा बेटा। नहीं बन, हाथ निकालना तो हाथ तोड़कर चिलकों को खिला दूंगी। चलो भैया, ये अच्छा हो गया। अब मैं खुद जाऊंगा पुलिस स्टेशन और उसी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दूं। आपको बिना वजह परेशानी होगी मैम। नहीं बेटा, परेशानी तुम्हें होती है अगर तुम जाते, तुम्हें तो पुलिस वालों को कुछ पता ही नहीं, और तुम्हारा पिछला एक्सपीरियंस तो मैं नहीं भूला। मुझे बेटा तुमसे दो बहुत जरूरी बातें करनी है। ये बेटा, एक तो ये कि मिनाल का बहुत ख्याल रखो। उसकी माँ यहां अगर होती तो मुझे इतनी फिक्र ना होती। और दूसरे ये कि तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाना है। किसे? मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, आलम। उनका फोन नंबर मुझसे कहीं खो गया, एड्रेस मेरे पास था नहीं, बहुत मुश्किलों से तलाश किया। वो भी कोई जादू हुआ? अरे नहीं 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 बेटा नहीं, तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें पता चलेगा, बहुत काबिल और बहुत नफीस है। ठीक है बेटे। मोहब्बत में तुम मुझे भूल गई हो तो ठीक है, तो मुझे खुद ही तुम्हें बुलाना पड़ेगा और तुम्हें आना पड़ेगा। मैं जानती हूँ मन्नू, तुम मेरी आवाज सुन रही हो। उठो, मेरे पास आओ मन्नू। आ जाओ, उठो मन्नू, उठो मन्नू, उठो मन्नू, आओ उठो मन्नू, आओ मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, चलो पास आ जाओ, चलो उठो, चलो उठो, आ जाओ मन्नू, आ जाओ मन्नू, आ जाओ मन्नू, आओ आओ आओ।
नहीं मन्नु, तुम अब किसी से कुछ नहीं कहोगे, किसी से मदद नहीं मांगोगी, जो मैं कह रही हूँ सिर्फ वो करोगी। चलो मन्नु, चलो मन्नु, उठो, चलो मन्नु, उठो, चलो मन्नु, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, आजा मन्नु, आजा मन्नु, आजा। मुझसे प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो, मेरी दोस्त हो ना, तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम मेरी दोस्त हो। तो क्या हुआ? आओ बैठो। बाबा जाना हो। मिनाल, आप मिनाल, मिनाल आप मिनाल, अरे मिनाल, मिनाल बेटा बात सुनो। मिनाल, मिनाल रुको, मिनाल क्या नहीं, मिनाल रुको। आओ मन्नू, आओ मेरे पास, आ जाओ मन्नू, मेरे पास आओ, मेरा आओ ना। बाबा मुझे जाना पड़ेगा। अम्मी के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो मैंने नहीं कहा। अच्छा तो किसने कहा संबुल? उसने। नहीं हूं मैं पागल, वो इसी घर में मुझे नजर आती है, मुझसे बातें करती है, ये सब भी वही कर रही है। या तो तुम बहुत जीनियस हो संबुल,
या फिर सबसे बड़ी चुड़ैल तुम खुद हो। प्लीज मुझे बताएं, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि जो मैं कह रही हूं वो सच है। कैसी है मेरी बेटी? फिर डर तो नहीं लगा आपको? कोई नजर तो नहीं आया? मिनाल, आपको बाबा से बात नहीं करनी होती? आपको बाबा से बात नहीं करनी? फहीम साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और इसका इलाज घर पे मुमकिन नहीं। इसे जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। और मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये इनको दे दीजिएगा। और मैं फिर कहूँगा, अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने में जल्दी कीजिए, इसकी सेहत का ख्याल रखिए।
जी कह रहे हैं जी। चक्रों में फिर रहे हैं, अपनी बेटी की तरफ क्यों नहीं देख रहे? इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जा रहे? कौन से हॉस्पिटल ले जाओ? वहीं जहां तुमने सुंबुल को भिजवाया है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बेटी उस पागल की तरह नहीं है। ये तो बस बीमार है। आलिया या सुंबुल बीमार नहीं है बानो, ये घर बीमार है। आप बार बार मेरी मासूम बेटी को उस जादूगरनी से क्यों मिला रहे हैं? इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, और आलिया की इस हालत की भी जिम्मेदार वही है। बानो, तुम चाहती हो कि हमारी बेटी ठीक हो? हाँ हाँ बिल्कुल चाहती। तो कुछ देर के लिए इसका ख्याल रखो, मैं और अमान एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। जरूरी का? इस हालत में हम दोनों औरतों को छोड़कर कहां जा रहे हैं आप? इस घर की बीमारी का इलाज ढूंढने। जब रे दादू के पास बानो, बहुत ख्याल रखना इसका, अपनी पोती का बहुत ख्याल रखना। मेरी बात सुनते जाइए। ये खून है मेरा, मेरे बेटे की औलाद है, इसका ख्याल तो मैं रख लूं, लेकिन उसे इस घर में वापस मत ले जाना। उसके काले इल्म की वजह से हम सबकी जिंदगियों में काले भर गई। उसके साथ अब किसी कीमत पर मैं नहीं रहूंगी। चले बेटा। बेटा एक बात बतानी भूल गया था मैं तुम्हें। जी। पुलिस स्टेशन गया था मैं, वहां नगीना के बारे में पता चला। बेटा उसकी डेड बॉडी मिली है समंदर के किनारे से। क्या? वो पुलिस कह रही है पोस्टमार्टम के मुताबिक एक हफ्ता पहले मरी है वो, मगर जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये है कि एक हफ्ते के बाद लाश समंदर से कैसे बाहर आ गई, और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हालत। चले बेटा, आलम साहब इंतजार कर रहे हूँ। हम यहाँ रुकेंगे तो रुकने के लिए कमरा तो चाहिए ना। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे घर वापस जाना है।